हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम राइट। तो अभी हम लोग KGF पढ़ रहे हैं। KGF में डायलॉग हो ना, तुझे क्या चाहिए बोलता है ना, मेरे को दुनिया चाहिए। ये तो ये वर्ल्ड मैप है अपना, क्या ये वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप आपको बेसिकली याद होना चाहिए क्या राइट। तो अभी ये पूरा वर्ल्ड मैप को कैसे लोकेशन करते हैं मैं अभी सिम को सिखाने वाला हूँ। तो पहले शॉर्ट पे डिस्कस करते हैं राइट। अपन किधर है, अपन चेंबूर मुंबई, इधर इंडिया राइट। ये मुंबई हो गया तो ये इंडिया अपना भारत है राइट। ये अफ्रीका है, ये छोट इसका बड़ा करेगा तो अफ्रीका बनेगा ना। ये इंडिया, इंडिया के नीचे छोटा श्रीलंका, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया है राइट। अभी वर्ल्ड कप जीता ना उन्होंने, उसके नीचे न्यूजीलैंड इसका छोटा भाई है राइट। ये जापान है, ये क्या है जापान, इतना बड़ा कंट्री। रशिया है, रशिया के बाजू में यूक्रेन है, रशिया के बाजू में क्या है, और फिर चाइना इधर मचा रहा है राइट। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन लेके अभी अपन ने हरा दिया उसको, अफ्रीका है। और ये क्या है अपना, यूरोप है, क्या ये यूरोप, ये इंग्लैंड है, यूके राइट, विक्टोरिया क्वीन इधर ही अपना हीरा कोहिनूर लेके गई ना। ये आइसलैंड, क्या ये आइसलैंड, ग्रीनलैंड। तो अभी आपको क्वेश्चन है, ये ग्रीनलैंड, हाँ बच्चा कौन सा आइसलैंड है, ये आइसलैंड है और ये ग्रीनलैंड है, चलो चेक कर लेना ओके। अभी सवाल क्या है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, पहला बोला आइसलैंड, क्या बोला है आइसलैंड। इधर तो मेरे बच्चे लोग देखो इधर हम टाइम पास कर देते, पढ़ते उड़ते नहीं है, हाँ तो इधर पढ़ रहे ना बच्चे वंटी आराम से आ जाओ। आइसलैंड क्या बड़ा है, आइसलैंड किधर है, यूरोप में आता है ना, तो ये सर टिक मार्क करने का था, तो इधर लिखेंगे वन, वन की जगह पर डालने का इधर आइसलैंड, क्या डालने का आइसलैंड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्या बोला है। अभी तुमको मालूम होना चाहिए कि मैक्सिको किधर आता है राइट। तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका, ये मैक्सिको है, तो इधर रहेगा ना मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। इधर आता है रेड सी, ये स्विस कैनाल है, ये गल्फ ऑफ कंबत आता है अपना इंडिया का राइट। अभी इधर बोला सहारा डेजर्ट, तो सहारा डेजर्ट किधर आता है, अफ्रीका में आता है, किधर आता है अफ्रीका में। एनी माउंटेन रेंज लोकेटेड इन एशिया, एशिया मतलब ये हो गया ना यार, तो एशिया में सबसे बड़ा पहाड़ किधर अपने पास है ना, हिमालय, हिमालय रेंज, क्या है हिमालय रेंज, माउंट एवरेस्ट। एनी वन थॉर्नी फॉरेस्ट, कौन सा फॉरेस्ट बोला है, थॉर्नी कांटे वाला झाड़ देता है ना कैक्टस, वो सब अफ्रीका में मिलेगा। और कॉन्फिरस फॉरेस्ट है तो रशिया में मिलेगा, ऐसे झाड़ होता ना राइट, ये रशिया में मिलेगा क्रिसमस वाला। और थॉर्नी बोला था कैक्टस होता ना ऐसा, तो अफ्रीका में मिलेगा। इसके बाद बोला है एनी वन प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ क्रूड ऑयल, तो क्रूड ऑयल कौन पैदा करता है, एक तो गल्फ कंट्री सऊदी और एक रशिया, दोनों के पास क्रूड ऑयल है, कौन गल्फ कंट्री डाल देने का या तो क्या डाल देने का, रशिया है ना। इधर बोला है हाईएस्ट पॉपुलेशन आ गया अपना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किधर है, इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना, इंडिया और क्या इनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। एनी वन कंट्री यूरोप विथ हाई एसडीआई, एसडीआई मतलब सबसे अमीर देश, नॉर्वे, कौन है नॉर्वे, तो नॉर्वे किधर आता है, इधर आता है यूरोप में आता है, यूरोप है ना, इधर किधर भी टिक मार्क कर दो, इधर करेगा तो थोड़ी टीचर मार्क्स देगी ना, तो ये नॉर्वे सबसे हाई एसडीआई। और लो एसडीआई मतलब सबसे गरीब देश, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका आ गया, अभी थोड़ा श्रीलंका हो गया, अफ्रीका की एक कंट्री है दो तीन है ना। एनी वन मिलियन सिटी इन इंडिया, मतलब जिसमें वन मिलियन है, एक करोड़ से ज्यादा लोग रहते हो, मुंबई, क्या है मुंबई, हमची मुंबई है ना यार, मुंबई में एक करोड़ से ज्यादा लोग है, दो करोड़ लोग है ओके, तो मुंबई की तरह मालूम है ना इंडिया राइट। इसके बाद क्या बोला है एनी वन एरिया ऑफ हाइएस्ट रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जिधर झाड़ ज्यादा कट रहा है, तो झाड़ ज्यादा कहाँ कट रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी कट रहा है, रशिया में भी कट रहा है, अमेरिका में भी कट रहा है, तो कोई भी एक कंट्री का नाम डाल देने का ठीक है। डिफॉरेस्ट मतलब झाड़ को काटना। ऑयल स्पिल इन अटलांटिक ओशन, कौन सा ओशन बोला है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओशन मतलब समुद्र होता है राइट, तो सबसे बड़ा समुद्र कौन है, पैसिफिक, ऐसा घुमाऊंगा ना तो पैसिफिक सबसे बड़ा समुद्र है ओके। अटलांटिक इधर आता है, टाइटैनिक इधर ही डूबी थी ना यार, अटलांटिक ओशन, ये इंडियन ओशन है, क्या ये तुम्हारा इंडियन ओशन, कौन सा ओशन है, ये इंडियन ओशन है तुम्हारा, ये अरेबियन सी, अरब सागर, ये बे ऑफ बंगाल है, ए बी अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ये इंडियन ओशन, ये अटलांटिक ओशन और ये पैसिफिक ओशन। इधर है रेड सी, इधर क्या है रेड सी, इजिप्ट की इस तरफ रेड सी, इधर मेडिटेरियन सी आता है राइट, तो अलग अलग नदी का नाम, समुद्र का नाम डाल दिया राइट। उसके बाद क्या अभी अपन को बोला है, बस इतना ही बोला था पेपर में राइट। तो अभी और एक पेपर सॉल्व करेंगे, तो कैसे क्या दिया क्वेश्चन आ जाओ, तो ऐसे मैप आएगा आपको टिक मार्क करना है, मैडागास्कर आइलैंड, तो मैडागास्कर आइलैंड के ऊपर पिक्चर भी है, मैडागास्कर डालेगा ना कार्टून वाला पिक्चर भी, ये है मैडागास्कर आइलैंड, ये दिख रहा है अफ्रीका के बाजू में मैडागास्कर, क्या है मैडागास्कर। बे ऑफ बंगाल, मैं बोला ना अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, तो इधर आता है बे ऑफ बंगाल, बंगाल के बाजू में, बंगाल खाड़ी के बाजू में, बंगाल खाड़ी के बाजू में आता है बे ऑफ बंगाल ओके। तो मोबाइल क्या चला रहा है, इधर आना। मेजर माउंटेन रेंज लोकेटेड नॉर्थ अमेरिका, माउंटेन मतलब पहाड़, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा पहाड़ रॉकी माउंटेन कौन सा है,
अफ्रीका में किलिमंजारो कौन सा है और इंडिया में हिमालय, अलग अलग माउंटेन रहे ना। साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, कौन सा है थोड़ा सर्च कर लेना। ओके अब इधर बोला है नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ कॉन्फ्यूरस फॉरेस्ट, क्रिसमस ट्री जैसा जंगल होता है ना रशिया, किधर है रशिया। उसके बाद बोला है एनी एरिया ऑफ ऑयल फील्ड इन इंडिया, ऑयल फील्ड किधर है मुंबई यहाँ है, इधर है समुद्र अरेबियन सी में, किधर है ऑयल फील्ड इधर, ओके समुद्र के अंदर ही है। हाँ बाबू का धक्के के आगे शाबाश। व्हेन एनी वन कंट्री हैविंग लो पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम अफ्रीका, सबसे कम पॉपुलेशन अफ्रीका में सबसे कम पॉपुलेशन किधर है डाल देने का मतलब साउथ अफ्रीका है, और भी कंट्री है युगांडा है, तो अफ्रीका में एक कंट्री का नाम डाल जिम्बाब्वे नाम्बिया जाम्बिया तांजानिया है ना मलावी। तेरे चाचा किधर रहते मोरक्को, इसके चाचा मोरक्को रहते वो भी इधर ही है ना, कम पॉपुलेशन। ओके एनी वन कंट्री हैविंग लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फ्रॉम एशिया, मतलब जो गरीब देश है एसडीआई एकदम लो है, तो लो बोले तो पाकिस्तान आ गया अफगानिस्तान आ गया श्रीलंका आ गया अभी है ना, बांग्लादेश नहीं आ गया ठीक है उसका ज़्यादा हो गया अभी। इसके बाद क्या बोला है लोकेटेड इन जापान, जापान में एक सिटी बताओ जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, टोक्यो है ना जापान का कैपिटल है टोक्यो। ओके इधर है जापान रशिया के बाजू में, अमेरिका और जापान का लफड़ा होता ना 1945 तो इधर तो घूम के उसने अटैक किया था राइट, दो बम डाला था हिरोशिमा नागासाकी में। एसिड रेन मतलब होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड पूरा हवा में रहता है पानी गिर के एसिड रेन बन जाता है, यूरोप में होता है, किधर होता है वो यूरोप में कोई भी कंट्री का नाम डाल देने का था इंग्लैंड फ्रांस जर्मनी रशिया। इस तरह तुमको क्या आएगा मैप आएगा, इसको बोलते हैं मैप फिलिंग, क्या बोलते हैं उसको मैप को भरने का रहता है, 10 मार्क के लिए आएगा राइट। और एक आता है मैप रीडिंग, क्या आता है मैप रीडिंग, तो अपन तुमको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा ठीक है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।